दोस्तों अगर आप सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में सूर्य कुमार यादव का आया तूफान। दोस्तों इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट को T20 में खेलते हुए इस खिलाड़ी ने खेल दी शतकीय पारी। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं सूर्य कुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करते हैं जिससे आगे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आया सूर्य कुमार यादव तूफान। इस खिलाड़ी ने मात्र इतनी गेंदों में लगा दिया इतने छक्के और खेल दी शतकीय पारी। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को जब दूसरे नंबर पर खेलने का मौका मिला तो सूर्य कुमार यादव ने खेली शतकीय पारी। दोस्तों इस खिलाड़ी ने मात्र 172 गेंदों में खेल दी 158 की पारी। दोस्तों इसमें उन्होंने 3 छक्के और 12 चौके की मदद से 158 की पारी खेली। दोस्तों वहीं सूरज शर्मा ने भी 85 रन की पारी खेली है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से पहला टेस्ट मुकाबला जीत लिया है। दोस्तों पर हम आपको बता दें भारत से और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 9 फरवरी से खेला जाएगा। दोस्तों अभी भारतीय टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता पहला टेस्ट वो 12वां मैच था। 12वें मैच ने भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से पहला टेस्ट मुकाबला जीत लिया। अब जो रियली में मैच होने वाला है पहला टेस्ट मुकाबला वो 9 फरवरी से खेला जाएगा। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी और क्या WTC में फाइनल खेल पाएगी या नहीं। अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़रूर। और अगर आप चाहते हो टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे तो प्लीज़ हमें अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं।